पिछली बार हमने देखा था कि बंदर और रोबोट मिलकर एक जहाज बनाकर चले गए थे, लेकिन वो आगे क्या करेंगे हम स्टोरी में आपको बताएंगे। उन दोनों ने बनाया हुआ जहाज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो एक बर्फीला पहाड़ पर पहुंच गए और वहां पर उनका जहाज क्रैश हो गया। वो दोनों को लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां पर दोनों ने देखा एक छोटा सा घर है, उसके आगे एक हेलीपैड था, तो वो दोनों धीरे धीरे अंदर गए। छुपते छुपते वो दोनों अंदर गए और वहाँ क्या हो रहा है उसे देखने के लिए गए। दोनों जब घर के अंदर पहुँच गए, वहाँ पर एक बहुत बड़ा लैब था जहाँ पे बहुत लोग वहाँ पर रह के मिसाइल बना रहे थे और दुनिया के सभी देश में गिराकर दुनिया में राज करना चाहते थे। वो दोनों बात कर रहे थे कि कैसे दुनिया पर कब्जा करेंगे। किसे पता था कि एक बर्फीली जगह पर, एक बर्फ के पहाड़ के नीचे ये लोग मिसाइल बना रहे हैं। उसे देखकर बंदर ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, हमें दुनिया को बचाना तो होगा ही। रोबोट ने कहा कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई फिक्र नहीं करता, तो मैं क्यों दुनिया को बचाऊं। तो बंदर ने चालाकी के साथ बोला, मेरा तुम पे एक एहसान है, अगर मैंने वो कागज़ नहीं दिया होता तब तुम वहाँ पर ही होते, तो मुझे एहसान के बदले एक एहसान चाहिए। तब रोबोट ने दुनिया को बचाने के लिए हाँ बोल दिया। उसके बाद रोबोट ने एक डिटेक्टिव यानी कि एक पुलिस को बुलाया। कुछ घंटे के बाद पुलिस की आने की सायरन बजने लगी। लैब के सभी लोग चौंक गए और ये कैसे हो सकता है बोलकर सब एक दूसरे रास्ते चले गए। और जब तक लैब के अंदर एक बहुत बड़ा मिसाइल था जिस मिसाइल के सहारे सब दुनिया ख़त्म हो जाती, और काम के लिए रोबोट और बंदर को सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम मिला, जिसे वो दोनों खुश होकर एक वीरान जगह पर घर बनाकर दोनों दोस्त बनकर बहुत खुश होकर वहाँ पर रह गए।